हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। आपके एग्जामिनेशन के लिए जनरल अवेयरनेस के टॉपिक कंटिन्यू है। आज हम पढ़ने वाले हैं मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया का पार्ट 3। इससे पहले हमने दो वीडियोस उस पर अपलोड की हुई हैं। जानेंगे मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया में आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होगी। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, जो स्टूडेंट होम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, यहाँ से आप जुड़ जाइए। कोई भी क्वेरी होगी आप पूछ सकते हैं। नोट्सों के लिए मैंने बताया है आप हमारी वेबसाइट www.homeacademy.in पे विजिट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। टॉपिक रहेगा हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, एक ऐसी ब्रांच है, किस चीज़ की ब्रांच होगी, एग्रीकल्चर की ब्रांच होगी, विच इज कंसर्न्ड विद द कल्टीवेशन, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, हर्ब्स, ऑर्नामेंटल और एग्जोटिक प्लांट्स। तो हॉर्टिकल्चर एक ऐसी ब्रांच है एग्रीकल्चर की जो कि डील करती है कल्टीवेशन से, प्रोडक्शन से, सेल से, किस चीज़ की, फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, फ्लावर्स की, हर्ब्स की और कुछ ऐसे ऑर्नामेंटल और एग्जोटिक प्लांट्स होंगे। कुछ ऐसे फ्रूट्स देख लेते हैं और को इम्पॉर्टेंट स्टेट जहां पर उनकी प्रोडक्शन होती है तो वो देख लीजिए, आपके सामने आ चुके हैं। मैंगोज की अगर हम बात करते हैं, मैंगोज जो ऐसे तो बहुत सी स्टेट्स में जो है उगते हैं, तो जो मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट्स है जैसे कि महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और पंजाब में भी जो है मैंगोज जो है लगते हैं। ऑरेंजेस की बात करते हैं, वो नागपुर के फेमस रहेंगे, चेरापुंजी के फेमस रहेंगे। बनाना जो है केरला के मशहूर रहेंगे, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तो यहाँ पर जो है इनकी प्रोडक्शन एक अच्छे लेवल पे है। लीची गवावा की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश एंड बिहार होगा। पाइनएप्पल जो है आपके मेघालय। ग्रेप्स की बात करेंगे तो ग्रेप्स हमारे जो है वो आंध्र प्रदेश होगा, ठीक है, उसके अलावा जो है वो तेलंगाना, महाराष्ट्र। एप्पल्स की बात करेंगे, एप्पल कहाँ के मशहूर रहेंगे, पियर्स, एप्रिकॉट और वॉलनट जो होंगे जम्मू कश्मीर और हिमाचल के। तो अब हम देखेंगे, जैसे कि हमने हर जो भी क्रॉप पढ़ी, जैसे रबड़ पढ़ा तो देखा कि रबड़ जो है वो ज़्यादा कहाँ पर प्रोड्यूस होती है, किस कंट्री में, अगर नेशनल लेवल पे भी देखेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे भी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए इंडिया का रैंक अगर हम देखेंगे हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड, तो इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, और ये प्रोड्यूस करता है बोथ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट फ्रूट्स। दोनों ट्रॉपिकल फ्रूट्स भी यहाँ पर लगेंगे, टेम्परेट भी लगेंगे, क्योंकि एक डाइवर्स कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है, तो यहाँ पर जो है इसकी फिजियोग्राफी भी वैसी ही है, तो जिसकी वजह से दोनों ट्रॉपिकल और टेम्परेट फ्रूट्स यहाँ पर मिलेंगे। इंडिया कितना प्रोड्यूस करता है ये वेजिटेबल्स, तो इंडिया जो है 13% जो पूरी दुनिया की वेजिटेबल्स है उनमें से 13% जो है इंडिया में प्रोड्यूस होती है। तो इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर किस चीज़ का है, पीस का है, कॉलीफ्लावर, अनियंस, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो का जो है इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर है। गोल्डन रेवोल्यूशन आपने सुना होगा, आपने बहुत से रेवोल्यूशन पढ़ने हैं अभी आपने, तो उसमें से गोल्डन रेवोल्यूशन जो है ये एक मिशन था फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, जिसको MIDH भी कह सकते हैं, एंड कोऑर्डिनेटेड हॉर्टिकल्चर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट यूजिंग द इन्फॉर्मेटिक्स। तो एक हमारे पास जो है प्रोजेक्ट जो है वो चमन भी कह सकते हैं, और आपको फुल फॉर्म अगर पूछी जाएगी प्रोजेक्ट चमन किससे रिलेटेड है, पहली बात हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है, फुल फॉर्म क्या होगी, कोऑर्डिनेटेड हॉर्टिकल्चर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट यूजिंग जियो इन्फॉर्मेटिक्स। तो ये कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है जो कि हेल्प करते हैं हॉर्टिकल्चर सेक्टर्स को। अब हम आते हैं प्लांटेशन क्रॉप्स की तरफ। प्लांटेशन क्रॉप्स में हमारे पास पहली क्रॉप जो आ रही है वो टी है, यानी कि चाय। चाय के लिए टेम्परेचर जो होगा इसके प्लांट लगाने के लिए वो कितना होना चाहिए फेवरेबल, 20 से 30 डिग्री तक होगा। रेनफॉल की बात करेंगे तो रेनफॉल ज़्यादा होनी चाहिए, 150 से 300 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सॉइल टाइप की बात करेंगे, डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल होगी, रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर होनी चाहिए। टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स देखेंगे जहां पर टी जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है, असम में नंबर वन रहेगा इंडिया में, फिर वेस्ट बंगाल होगा, तमिलनाडु होगा। अच्छा तो बताइए लार्जेस्ट जो है टी प्रोड्यूसिंग कंट्री जो है कौन सी होगी, नीचे कमेंट में बता देना। इंडिया जो है उसका रैंक जो होगा वो सेकंड रैंक होगा, लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग कंट्री में अगर हम देखेंगे तो इंडिया का रैंक सेकंड होगा। तो आप मुझे ये बताएंगे कि फर्स्ट रैंक जो है कंट्री का है। फिर इंडिया में जो है ये चाय जो है ये किसने इंट्रोड्यूस की, ये इंट्रोड्यूस करने वाले थे ब्रिटिश। ब्रिटिश जो है इसे इंट्रोड्यूस किए थे ईस्टर्न हिल्स स्लोप में, इंडिया के स्लोप ऑफ द ईस्टर्न हिल्स जो है वहां पर ह्यूमिड क्लाइमेट है और जो है डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल होती है विदाउट वाटर लॉगिंग।
तो इसके लिए जो है ये ऑप्टिमल कंडीशन होती है, टेरेस फार्मिंग जो है वो टी के लिए ज़रूरी है, तो टेरेस फार्मिंग जो भी इसके लिए ऑप्टिमल कंडीशन है वो वहाँ पर जो है फुलफिल होती है। तो जो टी है ये एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, यहाँ पर जो है चीप लेबर की भी ज़रूरत पड़ती है, स्किल्ड लेबर की भी ज़रूरत पड़ती है, और टी को जो है गार्डन में ही जो है प्रोसेस किया जाता है ताकि जो है इसकी फ्रेशनेस जो है बरकरार रह पाए। टी के लिए जो है क्या इनिशिएटिव ली है गवर्नमेंट ने वो देख लेते हैं। जैसे कि पहला हमारे पास लिया है टी डेवलपमेंट एंड प्रमोशन स्कीम्स होती है, फिर जो है वेज कंपनसेशन स्कीम्स होती है, और कुछ टी बुटीक्स है, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर टी। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कॉफ़ी के बारे में। कॉफ़ी आप में से हर कोई पीता होगा, चलिए पढ़ते हैं आज कॉफ़ी के बारे में। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 15 से 28 डिग्री तक टेम्परेचर होना चाहिए। रेनफॉल देख लेते हैं, रेनफॉल जो है टी से थोड़ी बहुत कम, 150 से 250 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। सॉइल कैसी होनी चाहिए, वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, डीप होनी चाहिए, फेरिएबल लोमी सॉइल होनी चाहिए। टॉप कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट में कर्नाटका आएगा, केरल आएगा, तमिलनाडु आएगा। इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, टी में तो 2nd लार्जेस्ट है, लेकिन अगर हम कॉफ़ी की बात करते हैं तो 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रहेगा। अच्छा, कॉफ़ी जो है वो किसने इंट्रोड्यूस की यहाँ पर? कॉफ़ी जो है इनिशियली जो है यमन से लेके आए थे, मिडिल ईस्ट की कंट्री यमन से, और इंट्रोड्यूस की गई है ऑन द बाबा बुदन हिल्स। बाबा बुदन हिल्स पे जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। ये जो हिल है विद वेल डिफाइंड शेप है, शेप कैनोपी जो कॉफ़ी को ग्रो करने के लिए ऑप्टिमल कंडीशन है वो यहाँ पर जो है फुलफिल होती है। इट कंप्राइजिंग एवरग्रीन लेगमिनस ट्रीज प्रोवाइड ऑप्टिमल कंडीशन फॉर कॉफी कल्टिवेशन, दैट इज वाई इट इज मेनली कंसंट्रेटेड इन द हिली रीजन। कहाँ पर ग्रो करेगी? हिली रीजन पे। इंडिया की एक वैरायटी है कॉफ़ी की, कॉफ़ी अरेबिका, ये फेमस है वर्ल्ड वाइड। वेरियस इंटेग्रेटेड कॉफ़ी डेवलपमेंट जो है प्रोजेक्ट शुरू किए गए गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि लॉन्च किए थे कॉफ़ी प्रोडक्शन के रिलेटेड। कॉफ़ी के बाद हम आते हैं रबड़ की तरफ। रबड़ जानेंगे, रबड़ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। रबड़ जो है टेम्परेचर के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए। रेनफॉल जो है मोर देन 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सॉइल टाइप देखेंगे, रिच वेल ड्रेन्ड एलुवियल सॉइल होगी यहाँ पर। टॉप रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है उसमें केरल आएगा, तमिलनाडु आएगा और कर्नाटका आएगा। अच्छा बताइए, जो रबर है लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है जो कि रबर प्रोड्यूस करती है? थाईलैंड है, याद रख लेंगे। तो इंडिया का रैंक क्या होगा ये आप मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इंडिया जो है इसका रैंक क्या है रबर प्रोडक्शन में। इट इज़ एन इक्वेटोरियल क्रॉप, रबर जो है वो कैसी क्रॉप है? इक्वेटोरियल क्रॉप है, बट अंडर स्पेशल कंडीशन इट इज ऑल्सो ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज में भी ग्रो हो पाती है। रबड़ जो है एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल भी है। आप जानते हैं रबड़ से जो है कितने आइटम्स बनते हैं आज की डेट में, तो रबड़ जो है एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है। रबड़ प्लांटेशन जो है डेवलपमेंट स्कीम एंड रबड़ ग्लूप प्लांटिंग स्कीम जो है ये एग्जाम्पल होती है गवर्नमेंट की लेड इनिशिएटिव जो है वो रबड़ को लेकर जो है इसकी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो है किया गया था। क्या था? रबड़ प्लांटेशन डेवलपमेंट स्कीम एंड रबड़ ग्रुप प्लांटिंग स्कीम। नेक्स्ट हमारे पास रहती है कॉटन। कॉटन है, टेम्परेचर जो है 21 से जो है वो 30 डिग्री तक होना चाहिए कॉटन की ग्रोथ के लिए। रेनफॉल कम होनी चाहिए 50 to 100 सेंटीमीटर, लेकिन वेल ड्रेन ब्लैक सॉइल होनी चाहिए जो कि डेकन प्लेटू में है वहाँ पर ग्रो करता है ये। टॉप कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करेंगे तो गुजरात रहेगा, महाराष्ट्र रहेगा, तेलंगाना रहेगा, आंध्र प्रदेश होगा, राजस्थान होगा। तो यहाँ पर जो है इंडिया में जो है इट इज़ बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट। इंडिया को जो है माना जाता है कि ये ओरिजिनल होम है कॉटन प्लांट का। कॉटन इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का भी जो है ये मेन रॉ मटेरियल है। कॉटन के जो है वो टेक्सटाइल्स बनते हैं, गारमेंट्स बनते हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट है कॉटन। तो कॉटन जो है इट्स नीड्स 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। तो कॉटन के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसकी ग्रोथ के लिए कि इससे जो है 210 दिन जो है फ्रॉस्ट फ्री डेज हम मिलने चाहिए, ब्राइट सनशाइन जो है वो इसकी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। कॉटन जो है वो खरीफ क्रॉप है जो कि रिक्वायर करती है 6 to 8 मंथ्स टू मैच्योर। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन जो है वो कॉटन से रिलेटेड है, एंड टेक्नोलॉजी मिशन ऑन कॉटन जो है दे आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर इंक्रीजिंग द कॉटन प्रोडक्शन इन इंडिया।
कॉटन हैज बीन जनरली मॉडिफाइड इनटू बीटी कॉटन, कॉटन को मॉडिफाइड किया गया है बीटी कॉटन में टू फाइट एनवायरमेंटल स्ट्रेस एंड पेस्ट अटैक, ताकि जो पेस्ट अटैक करते थे उससे फाइट कर पाए और एनवायरमेंटल स्ट्रेस जैसे प्रॉब्लम हो रही थी वो। बात करेंगे अगली क्रॉप के बारे में, अगली क्रॉप हमारी जूट की क्रॉप रहती है। जूट के लिए जो है टेम्परेचर जो है कितना होना चाहिए, 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। रेनफॉल की बात करूंगा तो रेनफॉल जो है 150 टू 250 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सॉइल है वेल ड्रेन्ड या एलुवियल सॉइल होगी। जूट टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वेस्ट बंगाल होगी, बिहार होगी, असम होगा, आंध्रा होगा और उड़ीसा होगा। इट इज मेनली कंसंट्रेटेड इन द ईस्टर्न इंडिया बिकॉज जो है ऑफ द रिच एलुवियल सॉइल ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो कहां पर मिलेगा, ईस्टर्न इंडिया में जूट मिलेगा। टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट जो होगी वो वेस्ट बंगाल होगी, भूलेंगे नहीं। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन रहेगा, इंडिया रहेगा। इट इज नोन एज अ गोल्डन फाइबर, से जो है गोल्डन फाइबर के नाम से भी याद रखेंगे। इट इज मेनली यूज गनी बैग्स बनाए जाते हैं, मैट्स बनाए जाते हैं, रोप्स बनाई जाती है, कारपेट्स जो है वो जूट्स की बनाई जाती है। ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट इट इज लूजिंग मार्केट टू द सिंथेटिक फाइबर। जैसे कि जूट के बैग्स बनाए जाते थे, आप जानते हैं चावल की बोरियां जूट्स की आती थी या आज की डेट में भी आती है, लेकिन जो है इसकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होती है। इसके मुताबिक जो सिंथेटिक फाइबर जो है आए हैं, सिंथेटिक फाइबर जो है वो इसको रिप्लेस कर रहे हैं। तो पैकिंग मटेरियल जो है या तो नायलन है, वो इससे कॉस्ट में जो है वो सस्ता है, तो वो जूट को जो है आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस कर रहा है। तो इसका जूट का मार्केट जो है काफ़ी कम होती जा रहा है। गोल्डन जो है फाइबर की बात करते हैं, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन जो है और टेक्नोलॉजी मिशन ऑन जूट एंड मिस्टा जो है ये गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स है जो कि बूस्ट करते हैं जूट प्रोडक्शन को इंडिया में। फिर हम पढ़ेंगे क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी जहाँ पर हमने जो है कुछ बेसिक चीज़ें जो है वो कर ली हैं। अगर पसंद आई है तो हमारे यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करेंगे। कोई भी कमेंट होगा तो आप जो भी आपके रिलेटेड तो आप ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, हमारे जो है फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पे जो है आप जुड़े रहें, और साथ में जो है हमारी वेबसाइट पे www.homeacademy.in पे, जहां पर हम डेली जॉब एडवर्टाइजमेंट जो है वो अपलोड करते हैं। आपका जो है स्टडी मटेरियल जो है वो मिल जाएगा आपको, MCQs की प्रैक्टिस कर पाएंगे आप। तो इस पे जो है आप बने रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।